बॉलीवुड में अपनी नाकामी का यकीन हो चुका था कैफी साहब को, मगर मशायरों में तो बाहर थे। वक्त का काम है, गुजरना गुजरता चला जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। कभी किसी पहलू पे करवट बदलता है, कभी किसी पहलू पे करवट बदलता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी बैठ जाता है। वक्त को ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो कैफी साहब के साथ भी यही हुआ। मायूस थे, सोचते थे कि क्या करूं, अलावा शायरी की और कुछ कर नहीं सकते थे। तो एक दिन फिल्म दुनिया में एक साहब थे चेतनानंद साहब, जो कि फिल्में बनाया करते थे और डब्बों में बंद किया करते थे उन फिल्मों को, कामयाब नहीं होती थी उनकी फिल्में। तो वो एक दिन आए कैफी साहब के पास और कैफी साहब से कहा उन्होंने कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है हकीकत, उसमें मैं चाहता हूँ कि आप गाने लिखें। कैफी साहब ने कहा तुम पागल हो गए क्या, तुम्हें पता नहीं कि मेरे माथे पे नहुसत का दाग लग चुका है, लोग मुझे मनहूस कहते हैं, मैं जिस फिल्म में गाने लिखता हूँ वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। तो बोले हाँ मुझे मालूम है, और तुम्हें शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि मैं भी मनहूस प्रोड्यूसर कहा जाता हूँ, मेरे ऊपर भी नाकाम प्रोड्यूसर डायरेक्टर का खिताब, मुझको भी खिताब दिया जा चुका है। तो जिस तरह से माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, हो सकता है दो मनहूस मिलके कामयाब हो जाए। बात हंसी की थी, मगर कैफी साहब ने को तो बहरहाल चाहिए था काम, काम मिल गया उनको, उन्होंने गाने लिखे, हकीकत बनी। लेकिन वाकई जो कहा था चेतनानंद ने कि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, मनहूस मनहूस मिलके कामयाब हो जाते हैं, खुश नसीब हो जाते हैं, हकीकत ने वो साबित कर दिया। हकीकत न सिर्फ ये कि हिट हुई, बल्कि इतनी हिट हुई, सुपर डुपर हिट हुई कि उसने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और उसके गाने तो इतने पसंद किए गए, इतने पसंद किए गए कि तमाम हदों को तोड़ते हुए आगे निकल गए। अगर कभी मौका लगे तो 2 घंटों का प्रोग्राम सिर्फ हकीकत के ऊपर आप देखिए बना सकते हैं, इतनी कामयाब फिल्म थी। दिल तो मेरा चाह रहा था 3-4 गाने मैं सुनाऊं आपको, मगर जाहिर है वक्त की हुदूद हमें इसका इजाजत नहीं देती कि हम एक फिल्म से कुछ ज्यादा गाने ले सके। तो एक ही गाना सुन लीजिए और उसके ऊपर उसकी दाद दे दीजिए आप। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, क्या कैफियत है इस गाने में, क्या अंदाज है उस गाने का। जब आप पूरा सुनेंगे तभी आपको अंदाजा होगा उस गाने के लिए। तो मैं इसके लिए जनाब यूवी रवि साहब को दावत दूंगी कि वो आके ये गाना अपनी खूबसूरत आवाज में, खूबसूरत अंदाज में हमें सुनाए और हमको ऐसा लगा लगे कि हम स्क्रीन के ऊपर वो गाना देख रहे हैं। मैं ये सोच के उसके दर से उठा था। आइए कैफी साहब, यूवी रवि साहब जी। शुक्रिया। ये इस नज़्म का उनवान है पशेमानी, और इसको फिल्म हकीकत के लिए मोहम्मद रफ़ी मरहूम ने गाया था और इसकी तर्ज बनाई थी मदन मोहन ने। तो मैं कोशिश करता हूँ। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे के आवाज देकर
बुला लेगी मुझको, मगर उसने रोका न, उसने मनाया न, दामन ही पकड़ा न, मुझको बिठाया न, आवाज ही दी न, वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता आया यहाँ तक के उससे जुदा हो बहुत अच्छे यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं। वाह 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 भाई वाह, कमाल की अंदाज, क्या जज्बात का आपने अक्कासी कर दी, वाकई बहुत खूबसूरत, बहुत रवि भाई बहुत खूबसूरती सुनाया आपने, बिल्कुल आपके अंदाज जो था गाने का वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वाकई एक एक लफ्ज सही उसमें बैठ रहा था। शुक्रिया आपका। तो अब वक्त हकीकत की कामयाबी के बाद कैफी साहब ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, बेहद खूबसूरत फिल्में बनाई, मगर एक फिल्म ऐसी थी कि जिसका मैं जिक्र अगर ना करूं तो मैं शायद मैं ये कहूंगी कि अदब के साथ भी नाइंसाफी होगी, कैफी के साथ भी नाइंसाफी होगी और फिल्मी दुनिया के साथ भी नाइंसाफी होगी। वो फिल्म थी हीर रांझा। ये हीर रांझा के बारे में मैं कुछ और बोलूं आपके सामने, कुछ और बताऊं, उससे पहले मैं चाहूंगी कि बस एक जुमले में उसका तारुफ करा दूं कि हीर रांझा फिल्म नहीं थी। आप कहेंगे ये क्या झूठ बात बात कर रही है, नहीं मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी, हीर रांझा फिल्म नहीं थी बल्कि एक गजल थी जो कि परदे सीमी पर चेतनानंद ने और कैफी साहब ने मिलकर उतारी थी, बेइंतहा खूबसूरत गजल। कैफी साहब सिर्फ शायर ही नहीं थे, वो एक ड्रामा निगार भी थे। 1943 में इप्टा की शुरुआत हुई, इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर्स एसोसिएशन, उसकी शुरुआत हुई 1943 में, लेकिन कैफी साहब उससे कब वाबस्ता हुए ये मुझे नहीं पता चल पाया कि उन्होंने कब उसको मेंबरशिप ली, लेकिन ये कि उसके साथ आखिर तक कब हुए वाबस्ता ये तो नहीं हुआ, लेकिन ये हमें मालूम है कि अपनी आखिरी सांस तक वो इप्टा से वाबस्ता रहे। और उनका जो पहला ड्रामा था जो इप्टा ने किया था उसका नाम था भूत गाड़ी, और उसके जो सबसे अहम चीज जो मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ इप्टा की, जो कैफी साहब का इनकी हमको देन है, वो है आखिरी क्षमा। आखिरी क्षमा का वाकया कुछ इस तरह है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गालिब की सेंचुरी मनाने का इरादा किया, गालिब सदी मनाने का इरादा किया, तो उस सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम तय किए जा रहे थे, उसमें कैफी साहब से भी कुछ बातचीत चली कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनके भी राय मशवरे हो रहे थे। तो कैफी साहब ने अपने इप्टा ग्रुप से बात की और उनसे कहा कि ये कैसे अजीब बात नहीं लग रही है कि हमारे इतने बड़े शायर की सदी मनाई जा रही है और हमारी उसमें कोई शमूलियत नहीं है, तो क्या करें हम, उसमें किस तरह से उसको कामयाब बनाने के लिए हमारा भी तो कुछ उसमें शमूलियत होना चाहिए। तो तय ये पाया कि हम एक ड्रामा तैयार करें जिसका हम उसमें ड्रामा दिखाएंगे। तो इस सिलसिले में कैफी साहब ने खुद ये बताया अपने एक इंटरव्यू में, उनका इंटरव्यू में देख रही थी, उसमें उन्होंने फरमाया कि हमने जो फरहत हुसैन साहब का एक ड्रामा है बहुत पुराना, उसका नाम था आखिरी मशायरा, जिसमें गालिब की जिंदगी को काफी उजागर किया गया था, और उसके बाद उस और कुछ गालिब के खतूत से मदद ली, कुछ फरहत हुसैन साहब के ड्रामे से मदद ली, और उन दोनों को मिला के उन्होंने एक ड्रामा तैयार किया जिसका नाम था आखिरी क्षमा।
और वो जब जाके उन्होंने मुंतजमीन से उसके बारे में बात की कि हम ये ड्रामा दिखाना चाहते हैं इस गालिब सदी के प्रोग्रामों के सिलसिले में, तो उनको बहुत पसंद आया वो ड्रामा और उन्होंने कहा कि हम इसी ड्रामे से इसका इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम की जो शुरुआत होगी वो लाल किले में होने वाला था, उसमें सेमिनार थे, मुशायरे थे और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स थे, तो उन्होंने कहा कि हम आखिरी शमा का जो ड्रामा है उस इप्टा का ड्रामा उससे हम इसका इफ्तिताह करेंगे। तो इरादा तो कैफी साहब का और इप्टा का ये था कि हम इसका एक शो करेंगे, बस एक शो के लिए तैयारी हो रही थी। लेकिन जब वो ड्रामा वहां पे दिखाया गया तो लोगों को इतना आवाम को पसंद आया कि हर जगह से उनके लिए दावतों में आने लगे कि हमारे यहाँ भी इसका शो कीजिए, हमारे यहाँ भी इसका शो कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में इसके शो हुए, बहुत कामयाब ड्रामा था। और उसके बाद ये इसका हम कोई नहीं क्लिप मुझे नहीं मिल पाया कि मैं वो क्लिप दिखाती आपको उस ड्रामे का, लेकिन सिर्फ जुबानी मैं बता रही हूँ कि बेहद कामयाब ड्रामा था। उसके बाद वो वक्त आ गया, वक्त का काम तो चलना ही है, हमारी घड़ी भी आगे बढ़ रही है, इसलिए हमें भी अपने मजमून को मुख्तसर करना होगा। आखिरी दौर में कैफी साहब ने कुछ बीमारियों की वजह से काफी कमजोर हो गए थे, व्हीलचेयर पे बैठने लगे थे, लेकिन फिर भी व्हीलचेयर पे बैठने के बावजूद भी मुशायरों में जाया करते थे, फंक्शन अटेंड किया करते थे, जलसे जुलूस कोई जलसे होते थे तो उसमें जाते थे और वही दमदार आवाज। व्हीलचेयर पे बैठ गए थे, जिस्मानी तौर पे कमजोर हो गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये था कि ना तो उनकी आवाज में कोई फर्क आया था, ना दिमाग की कमजोर का ऊपर कमजोरी का असर पड़ा था। जिस्मानी तौर पे माजूर हो गए थे, लेकिन ना दिमाग माजूर हुआ था ना आवाज, वही दबदबा था, वही जोर था, वही आहंग आवाज में था। तो लोग उसी तरह से मजा उठाते थे कि जिस तरह से शुरू में लोगों को मजा आता था उनकी आवाज में, उसी तरह उनकी हर अजीजी में और उनके लुत्फंदोजी में कोई कमी नहीं वाकई हुई थी। तो इससे लोग जब उस जमाने के लोग मजा उठा रहे थे तो हम भी क्यों ना चलते चलते एक और आवाज का मजा उठा लें। वो आवाज है जनाब अंशुमान चंद्रा की। तो जाने से पहले हमको जरा सा उस आवाज का भी लुत्फ उठाने दीजिए। आइए अंशुमान जी, हमको अपनी एक शगुफ्तगी का, लताफतों का शाहकार दिखा दीजिए। वो शाहकार आप किसको बनाना चाह रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हमको अपनी सुरूली आवाज में सुना दीजिए वो शाहकार। आइए अंशुमान जी। शुक्रिया। पहले तो मैं माफी मांगता चलूं कि मुझे एक ईमेल जो है वो भी मैंने ढूंढ ली, वो मेरे जंक फोल्डर में चली गई थी, तो जो आपने जो तरतीब बनाई थी प्रोग्राम की वो मुझे मिली नहीं, तो इसलिए मुझे इसका इल्म नहीं था कि किस तरह से आपने टाइमलाइन के हिसाब से ये प्रोग्राम बनाया है। नहीं, वो बात आपकी सही है, क्योंकि तरतीब जो मैंने बनाई थी वो अपने जो मैंने एक मजमून तैयार किया था उसके हिसाब से। तो वो जो पहले आपको फहरिस्त मिली थी वो फहरिस्त थी कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट वाली आपका प्रोग्राम थोड़ी वजह से मेरे ख्याल से स्पॉइल हो गया, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं नहीं समझती कि मेरा प्रोग्राम स्पॉइल हुआ, मैं नहीं समझती। तो ये आपका बहुत अच्छा दिलचस्प आइडिया था, बहुत कामयाब आइडिया था, तो उसके लिए आपको मुबारक हो। और अभी रवि ने जो है इतना अच्छा मेरे ख्याल से समा बांधा है, तो ये मैं गजल गाने जा रहा था और इसमें इत्तेफाक से एक शेर है जिसमें कि भैरवी का इस्तेमाल किया गया है, तो अब वो शेर जो है मैं जिस धुन में मैं गाने वाला हूँ उसमें गाने में थोड़ा मुझे अजीब लगेगा, तो वो मैं शेर अलग से गा देता हूँ, फिर मैं पूरी गजल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जिसे तरंग में फितरत ने गुनगुनाया है, जिसे तरंग में फितरत ने गुनगुनाया है, वो भैरवी हो वो दीपक हो वो मल्हार हो तुम। वाह 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 वाह, क्या बात कही है। वाह वाह, कैफी साहब की तारीफ करें या आपकी तारीफ करें, नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, ये तो मेरे ख्याल से रवि साहब की तारीफ करनी चाहिए कि ये मैं फिर भैरवी के होते हुए इस धुन में नहीं गा पाए जो मैंने तैयार की। शगुफ्तगी का लताफत का
शाहकार हो तुम, शगुफ्तगी का लताफत का शाहकार हो तुम, फकत बहार नहीं सिले बहार हो तुम, फकत बहार नहीं सिले बहार हो तुम, हलावतों की तमन्ना मलाहतों मुराद, हलावतों की तमन्ना मलाहतों की मुराद, गुरूर कलियों का फूलों का, गुरूर कलियों का फूलों का इंकसार हो तुम, गुरूर कलियों का फूलों का इंकसार हो तुम, तुम्हारे जिस्म में खाबीदा है, तुम्हारे जिस्म में खाबीदा है हजारों निगाह छेड़ती है जिसको, निगाह छेड़ती है जिसको वो सितार हो तुम, निगाह छेड़ती है जिसको वो सितार हो तुम, जिसे उठा न सकी जोस्त जो होती हो, जिसे उठा न सकी जोस्त जो होती हो, जिसे न गूंज सकी जिसे न गूंध सकी हार जू वो हार हो तुम, जिसे न गूंध सकी हार जू वो हार हो तुम, शगुफ्तगी का लताफत का शाहकार फकत बहार नहीं हासिने बहार हो तुम। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, क्या बात, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जवाब। अंशुमन जी आवाज इतनी अच्छी है आपकी और साथ में कैफी साहब को पद्मश्री के खिताब से नवाजा गया, फिल्म गर्म हवा और हीर रांझा और साथ फिल्म गर्म हवा और हीर रांझा पे नेशनल अवार्ड मिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, साथ हिंदुस्तानी के गाने पे नेशनल अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड तो न जाने कितने मिले, कोई हद इंतहा नहीं, मुझे उनकी गिनती भी नहीं याद है कितने मिले, लेकिन जो नेशनल अवार्ड थे वो मैं आपको बता चुकी। कैफी साहब का इंतकाल 10 मई 2002 को हुआ उनके घर जानकी कुटीर में, और जाने से पहले कैफी साहब
एक अदबी सरमाया जो छोड़ के गए, वो उनकी तीन शेरी बुक किताबें जो शेरी शायरी के मजमुए हैं, और एक बहुत कीमती चीज जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगी वो थी उनकी ऑडियो बुक, जिसमें उन्होंने अपनी उसी दमदार आवाज में, उसी गरजती हुई आवाज में जो उनकी जिंदगी का खासा थी, उसी आवाज में अपनी बेहतरीन नज्मों और गजलों का रिकॉर्ड कराया है। और उसके लिए हम तक पहुंचाने के लिए एहसानमंद हैं हम शबाना साहिबा का, कि उन्होंने की मेहनत और उनकी कोशिशों से वो ऑडियो बुक तैयार हुई। और एक चीज और आपको मैं बताऊं कि उनकी जो बुक थी, में किताबों में सबसे अहम किताब जो थी शेरी मजमुआ, वो है आखिरी सजदा। उसके ऊपर साहित्य अकेडमी उर्दू की तरफ से उनको बेस्ट बुक के कार्य अवार्ड भी मिला था। तो ये था उनका अदबी सरमाया। कैफी साहब की एक और बहुत बड़ी खिदमत जो उन्होंने की है अदबी खिदमत के अलावा, जब आखिर दिनों में वो जब ज्यादा बीमार रहने लगे थे तो वो अपने अपने आबाई गांव मिजवा में जाके रहने लगे थे, और वहां सिर्फ रहने नहीं लगे थे, वहां के गांव में जहां ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़कें थी, गरीबी की इंतहा थी। मैं नहीं समझती कि जो उसकी तस्वीर पेश की जाती है उससे भी गरीब कोई गांव हो सकता है। उस गांव में जाके वहां वो रहे और उन्होंने उस गांव में सड़कें बनवाई, पानी का इंतजाम किया, बिजली लाए, और सबसे बड़ा काम जो किया वहां पे औरतों को उन्होंने वो औरतें जो कि किचनकारी जानती थी उन को, और लोग उनसे बनवा के जो मिडिल मैन होते थे उनसे काम बनवा के ले जाते थे, और बड़े बड़ी दुकानों पे पैसा कमाते वो थे, इनको बहुत कम पैसा मिलता था। उन औरतों को उन्होंने कहा कि तुम मिडिल मैन के पास मत जाओ, दलालों के पास मत जाओ, हम तुम्हारे लिए एक ऐसी एसोसिएशन कायम की उन्होंने कि जिसमें जो उन औरतों से काम करवाते थे मिलते थे, उसका शक्ल बदल गई। आज आप देखिए वो गाँव क्या है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये गांव वही है जिसमें मिजवा, वो गांव जिसमें पैदा हुए थे। तो ये थी वो खिदमत जो उन्होंने समाज के लिए की, वो थी खिदमत जो उन्होंने औरतों को कराई। वहां पे एक स्कूल खोला, लड़कियों का स्कूल खोला, जो आज पोस्ट ग्रेजुएशन तक वहां पर है की पढ़ाई होती है लड़कियों के ऊपर। चूंकि वो खुद कहते हैं कि मेरे बाप भी थे, वो लड़कियों से की तालीम के ऊपर बहुत जोर देते थे, इसलिए उन्होंने वहां लड़कियों का स्कूल खुलवाया है। और वो ऐसा स्कूल है जहां ना जात पात की कोई होती है, ना फिरकावारियत है, ना नफरतें हैं, बहुत खूबसूरत स्कूल है। मैं चूंकि खुद मैं वहां जाके देख चुकी हूँ उस गाँव को, इसलिए मैं इतनी बातें कर रही हूँ उस गाँव के सिलसिले में। बहरहाल कैफी साहब चले गए, मगर जाने से पहले अपनी यादें हमारे सुपुर्द करके गए। अजीब आदमी था वो, अजीब आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था वो, बगावतों का राग था वो। वो कभी फूल था तो कभी सिर्फ आग था, कभी वो सिर्फ फूल था तो कभी सिर्फ आग था। मुफलिसों से कहता था दिन बदल भी सकते हैं, दिन बदल भी सकते हैं। जाबरों से कहता था तुम्हारे सरों के ताज पिघल भी सकते हैं। बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ दूंगा। हवाओं से कहता था मैं तुमको मोड़ दूंगा। जिंदगी से कहता था मैं तुमसे तुमको सजाऊंगा। मौत से कहता था मैं डरता नहीं तुझसे। अजीब आदमी था वो, अजीब आदमी था वो, अजीब आदमी था वो। शुक्रिया आप सबका इतनी देर तक बैठे रहने का, इतने प्यार और मोहब्बत से आपने सुना कैफी साहब को। मैं नहीं समझती कि मैंने कैफी साहब के साथ इंसाफ किया या नहीं किया, मगर ये तो मैं समझती हूँ कि जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। और आप लोगों से भी माफी मांगती हूँ, अगर मैंने कहीं पे गलती की हो या मेरी वजह से किसी का दिल शिकनी हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और मेरी हर गलती को माफ करना, आप माफ करेंगे तो मेरे ऊपर एहसान होगा। शुक्रिया मोहब्बत। अब अरशद साहब आपके हवाले माइक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जेवा जी, मेजबानी, बहुत अच्छा प्रोग्राम, वेरी नाइस, बहुत बहुत वेल रिसर्च्ड जेवा जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत जेवा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया। ढाई घंटे के प्रोग्राम में कहीं पर भी कोई बोरिंग चीज नहीं हुई, बिल्कुल मजा आया, बहुत मजा आया। तो खातिन हजरात, हम इस महफिल का बाकायदा इख्तिताम करते हैं, और मैं तमाम लोगों का जो आज शरीक हुए, आज बहुत सारे नए लोग भी थे जिनको लाने में हाथ भी जेबा साहबा का ही था, और अंशुमन चंद्रा ने भी मेहनत की। ये तमाम अहबाब जो आज नए आए थे उन्हें मैं तहे दिल से इस महफिल में खुश आमदेद कहता हूँ, और जैसा कि जेबा ने भी कहा कि
अगर आप लोग आते रहेंगे तो हमारी महफिल की शान बढ़ेगी। इसके अलावा जिन लोगों ने कलाम पढ़ा मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ, और ज़ेबा रिज़वी साहिबा आपका, आपने बड़ी मोहब्बत और मेहनत से ये प्रोग्राम तैयार किया और बहुत कामयाब प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ताशी ज़हीर साहब आमतौर पर आखिर में इख्तितामिया के लिए तशरीफ़ लाते हैं लेकिन नासाज़ी तबा की वजह से आज शरीक नहीं है वो, तो इसके साथ ही मैं आज के प्रोग्राम के इख्तिताम का बाकायदा ऐलान करता हूँ, फिर मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ करूँगा। अगर आप लोगों को ज़ेबा साहिबा से कोई बात करनी है तो तब कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात, इंशाल्लाह अगले महीने मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।